आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुलेआम धमकी देता था, एक ऐसे आदमी की जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, एक ऐसे आदमी की जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। इनका नाम है बाला साहब ठाकरे। बाल ठाकरे का बचपन का नाम केशव ठाकरे था, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो समय के साथ साथ बाला साहब ठाकरे हो गया। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था। इनका बिना देखे भाषण देना लोगों को इतना भाता था कि इनका भाषण सुनने पल भर में लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी। बाल ठाकरे एक मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के दशक में टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इनके ही कार्टून छपा करते थे। 1960 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी। बाल ठाकरे चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन थे। उनके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाते थे। बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में 19 जून 1966 को नारियल फोड़कर शिवसेना पार्टी की स्थापना की थी। बाल ठाकरे ने 1980 के आसपास मुस्लिमों के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था। इसमें कहा था कि मुस्लिम कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं, देश को इनसे बचाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ 1960 और 1970 के दशक में लुंगी हटाओ पुंगी बचाओ अभियान चलाया था। उन्होंने अपने पेपर में फ्रंट पेज पर छापा था, एक बिहारी 100 बीमारी। बाल ठाकरे कभी भी किसी से मिलने नहीं जाते थे, जिसको उनसे मिलना होता था उनके घर ही चले आता था। भारत की बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे मिलने उनके घर आती थी। बाल ठाकरे अपने भाषण में हिटलर और श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्ठे की खूब तारीफ करते थे। बाल ठाकरे ने अपनी मौत से 2 महीने पहले कहा था कि आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। बाल ठाकरे को सिगार एवं वाइट वाइन पीने का शौक था। 1955 में बाल ठाकरे को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने पाइप पीनी छोड़ दी थी। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके बाद जब बाल ठाकरे से आपकी अदालत शो में पूछा गया क्या यह काम शिव सैनिकों ने किया है, तो उनका जवाब था कि यदि यह काम शिव सैनिकों ने किया है तो यह गर्व की बात है। 1990 के करीब जब आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा बंद करने की धमकी देते हुए कहा कि जो अमरनाथ यात्रा पर जाएगा वह वापस नहीं आएगा, तब बाल ठाकरे ने अपने एक बयान में कहा था कि हज जाने वालों की 90% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट होते हुए जाती है, देखते हैं कि यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। इसके अगले ही दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। मरने के बाद बाल ठाकरे को 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि ना तो वह मुख्यमंत्री थे ना सांसद थे, ऐसा रुतबा था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का।